शर्म करो, हया करो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरप्राइज आ गया है एक मर्तबा फिर। इस मर्तबा रावलपिंडी से ताजरान उठ खड़े हुए हैं, तलबा तहरीक अलग से, तहरीक इंसाफ के लोग अलग से, अवामी गम गुस्सा अलग से, और ताजरान का खड़े हो जाना ये एक अलग से मुसीबत हुकूमत के लिए बन रही है। अब देखिए जरा इन मनासिर को, उसके बाद बात करते हैं। लाइक जरूर कीजिएगा। शर्म करो, हया करो, पीछे से आवाज आए जोर से, सब आवाज बताओ नारे का, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, नाज़रीन इकराम, ये टैक्सेस के हवाले से, बिजली के बिल्स के हवाले से, मीटर्स के हवाले से, पाकिस्तान में मौजूद फस्ताइयत के हवाले से, तबाही के धाने पे पाकिस्तान को पहुंचा दिया गया। इस हवाले से एक बड़ी तादाद में लोगों के जमा होने की, साथ ही साथ ताजरान के एक साथ जमा होने की इतलात हैं, जिसके मनासर भी कुछ हमने आपके सामने रखे। अब ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि हर तबका ही तंग है इस मौजूदा निज़ाम से, जिस निज़ाम ने बिजनेस ख़त्म कर दिए, फ्रीलांसर्स की ज़िंदगी तबाह करके रख दी, इंटरनेट की बंदिश ने हर चीज़ मज़ीद तबाही के धाने पे ला खड़ी की। टैक्सेस अलग से हैं, बिजली के बिल्स अलग से हैं, चोरों को खुली आज़ादी है, बिजली भी चोरी होती है, गैस गायब है मुल्क से, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा है, और अय्याश हुक्मरान मज़ीद कर्ज़ पे कर्ज़ लिए जा रहे हैं, और मुल्क का अदालती सिस्टम मफलूज किए हुए हैं। अब आइन में तब्दीली करके मुल्क के तमाम निज़ाम को मज़ीद कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि काजी भी रहें और चीफ साहब भी रहें और इनका निज़ाम चलता रहे। वीडियो आज की शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए।